नमस्कार। प्राचीन सभ्यताओं में स्थापत्य व वास्तुकला के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों से काफी ज्यादा आगे है। भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला की सबसे खास बात यह है कि इतने लंबे समय के बावजूद इसमें एक निरंतरता के दर्शन मिलते हैं। इस मामले में भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों से इतर है। हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड शैली कहलाती है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के होते हैं। इस शैली में मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर भाग पिरामिड नुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती हैं। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक व कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफी ऊंचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर कक्ष तथा जलकुंड होते हैं। परिसर में कल्याणी या पुष्करिणी के रूप में जलाशय होता है। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। प्राय मंदिर प्रांगण में विशाल द्वीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान होता है। प्रखर गूंज न्यूज डेस्क लेकर आया है इसी स्थापत्य शैली का बेजोड़ उदाहरण मीनाक्षी मंदिर। इसकी विस्तृत जानकारी आज हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी मंदिर के भाग एक की। मदुरै का पुराना शहर 2500 वर्ष से अधिक पुराना है और इसका निर्माण पांडियन राजा कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में करवाया था, परंतु इस नायक का कार्यकाल मदुरै का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब कला वास्तुकला और अधिगम्यता बहुत अधिक फली फूली। शहर में सबसे सुंदर भवन सहित इसके सबसे प्रसिद्ध स्मारक शामिल हैं, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर, जिसे नायक शासन काल के दौरान बनाया गया था। मदुरै शहर के हृदय में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर का मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी के प्रति समर्पित है। यह भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटकों का आकर्षण केंद्र होने के साथ हिंदू धार्मिक यात्राओं के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। मदुरै के लोगों के लिए यह मंदिर उनकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक जिंदगी का केंद्र है। यह कहा जाता है कि शहर के लोग न केवल प्रकृति की आवाज सुनकर बल्कि मंदिर के मंत्रोच्चार को सुनकर भी जागते हैं। तमिलनाडु के सभी प्रमुख त्यौहार यहाँ श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार चित्राई त्यौहार है, जिसका आयोजन अप्रैल मई में किया जाता है, जब मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की खगोलीय विधि से शादी आयोजित की जाती है, तो इसमें पूरे राज्य के लोगों का समूह इसे देखने आता है। शिल्पकारी वाले स्तंभ विशिष्ट भित्ति चित्रों से ढके हुए हैं, जो राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान शिव के साथ उनके विवाह के समय के दृश्यों से भरपूर हैं। आंगन के पार सुंदरेश्वर के मंदिर में भगवान शिव को लिंग के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहाँ बने स्तंभ मीनाक्षी तथा सुंदरेश्वर के विवाह के दृश्यों से सजे हुए हैं। यहाँ लगभग 985 स्तंभ हैं और सुंदरता में सभी एक दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं। स्वरूप मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्बा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती, मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरै नगर की जीवन रेखा है। संबद्धता हिंदू धर्म, देवता शिव और मीनाक्षी पार्वती, अवस्थिति जानकारी अवस्थिति, मदुरै तमिलनाडु भारत, वास्तुकला शैली दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला, निर्माता पांड्य राजा, स्थापित 17वीं शताब्दी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गढ़ों के साथ पांड्य राजा मल्लध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै नगर में आए थे। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है।
इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कांची तुकामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, दक्षिणे कन्याकुमारी मम शक्ति रूपेण भगवती, नमो नमा नमो नमः। अन्य स्थानों में कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, तिरुवनई कवल का अकिलंद देश्वरी मंदिर एवं वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है एवं इसका कारण इसका विस्मयकारक स्थापत्य ही है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम हैं, जो अति विस्तृत रूप से शिल्पित हैं। इन पर बड़ी महीनता एवं कुशलता पूर्वक रंग एवं चित्रकारी की गई है, जो देखते ही बनती है। यह मंदिर तमिल लोगों का एक अति महत्वपूर्ण द्योतक है एवं इसका वर्णन तमिल साहित्य में पुरातन काल से ही होता आ रहा है। हालांकि वर्तमान निर्माण आरंभिक 17वीं शताब्दी का बताया जाता है। पौराणिक कथा, देवी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में देते हुए पाणी ग्रहण संस्कार करते हुए देवी के भ्राता भगवान विष्णु, बाएं से विष्णु मीनाक्षी शिव। हिंदू आलेखों के अनुसार भगवान शिव पृथ्वी पर सुंदरेश्वर रूप में, स्वयं देवी पार्वती पृथ्वी पर मीनाक्षी से विवाह रचाने अवतरित हुए। देवी पार्वती ने पूर्व में पांड्या राजा मल्लध्वज मदुरई के राजा की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतार लिया था। व्यस्क होने पर उसने नगर का शासन संभाला। तब भगवान आए और उन्होंने उनसे विवाह प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस विवाह को विश्व की सबसे बड़ी घटना माना गया, जिसमें लगभग पूरी पृथ्वी के लोग मदुरई में एकत्रित हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं अपने निवास बैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए। ईश्वरीय लीला अनुसार इंद्र के कारण उनको रास्ते में विलम्ब हो गया। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कुडल अजहर द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरई शहर में कदापि न आने की प्रतिज्ञा की और वे नगर की सीमा से लगे एक सुंदर पर्वत अलगार कोइल में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवता द्वारा मनाया गया एवं उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण कराया। यह विवाह एवं भगवान विष्णु को शांत कर मनाना दोनों को ही मदुरई के सबसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जिसे चितिरई तिरुविजा या अजगर तिरुविजा यानी सुंदर ईश्वर का त्योहार माना जाता है। इस दिव्य युगल द्वारा नगर पर बहुत समय तक शासन किया गया। यह वर्णित नहीं है कि उस समय का उनके जाने के बाद क्या हुआ। यह भी माना जाता है कि इंद्र को भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग रूप में मिली और उन्होंने मूल मंदिर बनवाया। इस प्रथा का आज भी मंदिर में पालन किया जाता है। त्योहार की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को भी स्थान मिलता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।